करते हैं या जॉब करते हैं तो कितना मुश्किल होता है पैसा हाथ में आना, लेकिन हॉस्पिटल में वही मुश्किल से कमाया हुआ पैसा हाथ से बालू की तरह निकल जाता है। फिर भी हम सभी अस्पताल में जितना पैसा मांगा जाता है खर्च करते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो वो उधार लेता है, लेकिन इलाज तो करवाता ही है। अस्पताल में पहले दिन ही सबसे ज़्यादा टेस्ट होते हैं, कुछ सर्जिकल आइटम्स भी खरीदे जाते हैं, इसी दिन सबसे ज़्यादा दवाइयाँ लिखी जाती हैं। हॉस्पिटल में कुछ पैसा एडवांस के तौर पर भी जमा किया जाता है। हमने भी वही सब किया, हमें भी दवाइयाँ लाने के लिए कहा गया। आजकल हर हॉस्पिटल का अपना मेडिकल स्टोर होता है, सो यहाँ भी था। हमने दवा ली और हमारा जो पहला बिल बना वह था 8,369 रुपये का। हमने अपनी जेब से इतने रुपए निकाले और देना चाहा तो पता चला कि हमें तो सिर्फ 4,620 रुपए ही देना है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने 8,300 रुपए की दवाइयाँ खरीदी हों और किसी अस्पताल ने आपको 4,600 रुपए ही लिए हों? शायद नहीं। हमारे साथ भी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब यह बिल देखिए, दवाओं की कुल कीमत है 8,369 रुपये, जिसके नीचे लिखा है डिस्काउंट 3,748 रुपये। नेट अमाउंट है 4,600 रुपये, जिसका भुगतान हमें करने के लिए कहा गया। ऐसे हमारे पास और भी कई बिल हैं। हमने 5 दिन एडमिट रहने के दौरान वहां से कई बार दवाइयां खरीदी और हर बिल पर हमें ये छूट मिली। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये डिस्काउंट हमें मांगने पर नहीं मिला था, यह बिना मांगे, हमारे बिना आग्रह किए, पूरे सम्मान के साथ हमें दिया गया था, क्योंकि ये डिस्काउंट वहाँ उनके बिलिंग सॉफ्टवेयर में ही फीड कर दिया गया है। और आप यह जानकर हैरान होंगे कि डिस्काउंट का प्रतिशत 2, 4 या 10% नहीं है, यह बहुत ज़्यादा है। कुछ सर्जिकल और इंजेक्टेबल में डिस्काउंट 91% यानी 91% तक हैं, और जितने भी पेशेंट वहाँ एडमिट हैं सबको इसका लाभ मिल रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों? हम भी यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों, तो हमने डॉक्टर साहब से सीधे पूछ लिया, क्योंकि इसका जवाब तो वही दे सकते थे। फिर उन्होंने हमें बताया कि क्यों उनके अस्पताल में इतना डिस्काउंट दिया जाता है। उन्होंने हमें समझाया कि MRP का खेल क्या होता है। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि एक इंजेक्शन 270 रुपये का आता है और उस पर MRP आती है 1,000 रुपये। उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं माना कि मैं 270 रुपये का वह इंजेक्शन अपने पेशेंट को 1,000 रुपये में बेच दूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अपनी फीस और मेरे हॉस्पिटल की दूसरी सेवाओं का चार्ज मरीज से लेना है, 270 रुपये का इंजेक्शन 1,000 में नहीं बेचना। ये बात तो हुई डॉक्टर संजय कुमार के नैतिक मूल्यों की। अब यहाँ सवाल ये है कि दूसरे ज़्यादातर अस्पतालों के मालिकों ने क्या अपना जमीर बेच दिया है? बेबी गेस्ट्रो केयर अस्पताल के डॉक्टर संजय कुमार की तरह ये क्यों नहीं कहते कि हमें भी अपनी सर्विसेज का पैसा ही मरीज से लेना है? वे क्यों नहीं कहते कि 270 रुपए का इंजेक्शन 1,000 में हम नहीं बेचेंगे? दूसरा सवाल ये है कि आखिर दवा कंपनियों द्वारा इतनी MRP लिखी ही क्यों जा रही है? इनको किसने अधिकार दिया है दवाओं पर इतनी ज़्यादा MRP लिखने का? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी सरकार, हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? वे इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेते? क्या दवा कंपनियों द्वारा लिखी जा रही MRP पर अंकुश लगाना नोटबंदी या धारा 370 हटाने से ज़्यादा कठिन काम है? क्या इसे व्यवहार में लाना GST लागू करने से ज़्यादा मुश्किल है? अगर नहीं तो फिर क्यों दवा कंपनियों को इतनी छूट दे रखी है? उन्हें इस बात को संज्ञान में लेना ही चाहिए और जल्दी से जल्दी MRP पर अंकुश लगाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपको और हमें अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हम सबको बस इतना करना है कि अगर 270 रुपये का इंजेक्शन हमें 1,000 रुपये में दिया जा रहा है तो हमें कहना है, भैया 300 लगा लो, चलो भैया 400 ले लेना। इसके साथ ही एक काम और करना है, और वो ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।